12 अगस्त 1997 इस डेट को टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की डेथ से पूरा बॉलीवुड सदमे में था, क्योंकि इस दिन दाऊद इब्राहिम के 3 गैंगस्टर ने गुलशन कुमार की हत्या कर दी थी। नमस्कार दोस्तों, टी सीरीज के ओनर गुलशन कुमार हर रोज जैतेश्वर मंदिर पूजा करने जाते थे और इसी का फायदा उठाकर दाऊद इब्राहिम के 3 गैंगस्टर ने 12 अगस्त 1997 को मंदिर के बाहर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। पर सवाल ये है, गुलशन कुमार को आखिर दाऊद इब्राहिम ने क्यों और किसके कहने पर मरवाया? अगर आपको इसका जवाब जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। 5 मई 1951, इस दिन गुलशन कुमार का दिल्ली की एक छोटी सी फैमिली में जन्म होता है। उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब थी, इसी कारण गुलशन कुमार ने ये सोच रखा था कि उन्हें जल्द से जल्द कामयाब होकर अपनी फैमिली की मदद करनी है। इसी के चलते सिर्फ 23 साल की एज में उन्होंने एक छोटी सी कैसेट शॉप खोली, जहाँ पर वो दूसरी कंपनी के गाने बेचा करते थे। बट जैसे ही टाइम बीता तो उन्होंने उस शॉप को बड़ी शॉप में कन्वर्ट कर लिया और उन्होंने उसका नाम सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज रखा। आपको बता दूं, ये वही कंपनी है जिसे आज टी सीरीज के नाम से जाना जाता है। इस कंपनी में वो अपने और अदर म्यूजिक डायरेक्टर के सॉन्ग को बेचा करते थे। इसी के साथ गुलशन कुमार जी काफी सॉफ्ट हार्टेड और दयालु किस्म के इंसान थे, क्योंकि वो सदा ही छोटे मोटे लोगों को मौका देकर स्टार बनाते थे और शायद इसी वजह से उनकी जान भी गई। क्योंकि अब मैं जिसका नाम लेने वाला हूँ, ऐसा कहा जाता है कि उस इंसान की वजह से ही गुलशन कुमार की हत्या हुई थी। दरअसल वो इंसान है नदीम अख्तर, क्योंकि 1990 के टाइम में गुलशन कुमार ने 2 म्यूजिक डायरेक्टर्स नदीम और सरवन को टी सीरीज कंपनी में काम दिया। ये दोनों म्यूजिक डायरेक्टर्स काफी अच्छे सॉन्ग डायरेक्ट करते थे और इन्होंने जितने भी सॉन्ग डायरेक्ट किए वो काफी हिट गए और उनके मिलियंस में कॉपी भी की। बट इन दोनों से एक डायरेक्टर नदीम ने खुद गाना गाने की सोची। उनकी जो गाना गाने की कला थी वो काफी अच्छी नहीं थी, इसी कारण गुलशन कुमार नदीम को समझाते भी हैं, पर नदीम ने किसी की बात नहीं मानी और दोस्ती के चलते गुलशन कुमार को नदीम के सॉन्ग रिलीज करने पड़े। बट ये सॉन्ग बुरी तरीके से पिटे और कंपनी को भारी नुकसान हुआ और इसके चलते गुलशन कुमार ने नदीम के सॉन्ग को प्रमोट करना बंद कर दिया और इसी कारण म्यूजिक इंडस्ट्री में नदीम का करियर खत्म होने लगा। और इसी कारण गुलशन कुमार से बदला लेने के लिए नदीम ने गुलशन कुमार को मारने की सुपारी दाऊद इब्राहिम को दी। उस टाइम दाऊद इब्राहिम के राइट अबू सलीम हुआ करते थे और इसी अबू सलीम ने गुलशन कुमार को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। अबू सलीम इस मर्डर को फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गुलशन कुमार की हर एक एक्टिविटीज पर नजर रखना स्टार्ट कर दिया। पर एक चीज तो आप सब जानते होंगे कि गुलशन कुमार भगवान शिव के कितने बड़े भक्त थे और वो हर रोज उनकी पूजा करने जैतेश्वर मंदिर जाते थे और इसी का फायदा अबू सलीम ने उठाया। उन्होंने मंदिर को सेलेक्ट किया था कि वो गुलशन कुमार को वहां मार सके, क्योंकि उन्हें पता था यहां मारना इजी होगा। जिसके चलते अबू सलीम ने 12 अगस्त ये डेट चुनी ताकि वो गुलशन कुमार को मार सके। 12 अगस्त 1997, इस दिन गुलशन कुमार रोज की तरह सुबह 10 बजे अपने ड्राइवर के साथ मंदिर जाने के लिए निकलते हैं। उनका ड्राइवर मंदिर के पास ही अपनी कार रोकता है और गुलशन कुमार मंदिर में पूजा करने चले जाते हैं। और इस मंदिर के आगे एक छोटी सी नाई की दुकान है और इसी दुकान के ऊपर वो तीनों गैंगस्टर बैठे थे और वो तीनों गैंगस्टर गुलशन कुमार का मंदिर से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में गुलशन कुमार मंदिर से बाहर आते हैं और पूजा की थाली ड्राइवर को देकर कार में बैठने के लिए जाते हैं। पर इसी टाइम के बीच उन तीनों गैंगस्टर में से एक गैंगस्टर ने गुलशन कुमार की कनपट्टी पर गन रख दी और एक गोली फायर कर दी। बट वो गोली गुलशन कुमार के कानों को छूकर निकल गई और गुलशन कुमार अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, पर घबराहट के मारे उनके पैर फिसल जाते हैं और वो वहीं गिर जाते हैं। इसके बाद ये गैंगस्टर फिर से उनकी पीठ में 3 गोली मार देता है। घायल गुलशन कुमार लोगों के घरों में जाकर मदद मांगते हैं, पर कोई उनकी मदद नहीं करता। फिर ये तीनों गैंगस्टर आकर गुलशन कुमार की बॉडी में 16 गोली मारते हैं और वहां से एक टैक्सी लेकर फरार हो जाते हैं। इसके बाद मंदिर का पुजारी और एक आदमी आकर गुलशन कुमार को हॉस्पिटल ले जाते हैं, पर डॉक्टर इन्हें देखकर मरा हुआ घोषित कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गुलशन कुमार की डेथ के बाद नदीम अख्तर देश छोड़कर भाग गए थे। और जो ये 3 गैंगस्टर थे, इनमें से एक गैंगस्टर अब्दुल रौफ को 2001 में पकड़ लिया जाता है और बॉम्बे हाईकोर्ट उसे उम्र कैद की सजा सुना देता है। पर जो बाकी दो थे, उनके पुख्ता एविडेंस न मिलने के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है। और यही है वो कंप्लीट राज कि आखिर किसने और क्यों गुलशन कुमार की जान ली। वेल, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड तक जरूर शेयर करना।